हेलो गाइस, थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल. सॉरी, एंजल नंबर 6 या 6-6 जो आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, जो आपको बार बार दिख रहे हैं, तो आपको आपके मन में क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या संकेत है. तो एंजल नंबर 6 ये एक लग्जरी, एज अ न्यूमरोलॉजी लग्जरीज का साइन है. विनस प्लैनेट का भी साइन है. तो आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, एंजल्स डिवाइन पावर एनर्जी गॉड परमात्मा आपके इष्ट देवता सब कुछ आपको जो भी है आपके साथ में, आपने जो भी प्रेयर की होगी या कुछ विश रखी होगी जो भी है, तो इसलिए शायद आपको एंजल्स नंबर गाइड कर रहे हैं. तो हम कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं एंजल्स नंबर 6 के. एंजल्स नंबर 6 हमें क्या गाइडेंस चाहता है. इसमें ऐसा रहता है कि जो भी आपके पास्ट की एनर्जी हो या आप प्रेजेंट में कोई सिचुएशन में हो, तो वो सब एंजल्स के पास में तो सब रहता है, गॉड से कुछ छुपता नहीं है. तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको करना क्या है. एक्सेट्स एंजल्स नंबर 'स्ट्रगल किया है तो सक्सेस तो मिलेगी. एक के नीचे लास्ट का देखिए, ये जो है आपकी एक पास्ट लाइफ के कार्ड्स, यानी जो आप थे उसके बारे में. आप बहुत नर्वस थे, कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुके थे जहाँ से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल था. बहुत ही यानी आप बहुत ही स्टक हो गए थे. आपके यानी इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो जैसे कि आपको यानी आपको फिनिश करने के ऊपर तुले होंगे. आपको डर लगता होगा, आपका जैसे डेथ जो है, यानी आप ऐसे फंस गए थे उनके चाल में कि आप निकल नहीं पा रहे थे. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि परमात्मा मेरा एक ये साइकिल कब कंप्लीट करेगा, ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, यहाँ से मैं कैसे निकलूं बाहर, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था. तो एंजल्स है आपको वही कह रहे हैं कि जो आपने जो भी किया, जो भी आपके कर्म हो चुके हैं, जहाँ पे भी आप फंस चुके थे, आप एंड लाइफ तक आ गए थे, तो आपका परमात्मा ने आपकी जो भी विश है या जो भी आपने पुकार की होगी मन से दिल से, तो वहाँ से एक सडनली
आपको पता ही नहीं चला होगा कि आपको उसमें से निकाला कैसे गया। आपको सडनली उसमें से निकाला गया तो आपको शायद वो एक चमत्कार जैसे लगा होगा या कुछ भी, आपका थोड़ा सा भगवान के तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ गई। तो एंजल्स आज भी यही कह रहे हैं कि जो हम है उसके ऊपर फेथ रखो, हम आपके साथ हैं और आपको डगमगना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपके पोजीशन पे आपको स्ट्रांग रहना है। आपका भगवान ने चक्र घुमा दिया है, अभी आपको इस लाइफ में यानी जो भी आपका पास्ट में हो चुका है, जो भी लोग है थे, बुरे लोग थे आपके इर्द गिर्द, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, छूट जाएंगे वो, या छूट भी गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप अभी एकदम से अकेले हो, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ये जो नंबर दिखा के बार बार, कि आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, वो है और वो आपको ज़रूर इस चक्रव्यूह से निकाल के बाहर करेगा और आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपकी एक बहुत सुखद एक सुबह जिसका आप वेट कर रहे हो, एक जैसे कोई सुबह आके आपको एक गुलदस्ता दे दे कि हैप्पी, तो वो ज़रूर आएगा। शायद वो आ चुका होगा या अभी आने वाला है, तो डरिए मत, रिलैक्स रहिए, अपने इनर वॉइस का सुनिए। आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पुकार सुनी जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम अभी एंजल्स नंबर ही दिख रहे हैं, तो हम एंजल्स विजडम एंजल्स कार्ड से हम देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। आपको नाराज़ रहना ही नहीं है किसी भी चीज़ का, विचार चिंता उसके ऊपर सोचना या क्या होगा कैसे होगा, नहीं, कुछ भी नहीं। मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोकास्टिंग्स और ओवरले, मैंने अभी बोला, ठीक है। गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड टू मेनी ऑप्शंस। देखिए आपको कार्ड दिख रहा होगा, एंजल्स आपको बता रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स का है, आपके पास बहुत सारे अभी चॉइसेस खुल जाएंगे या खुल चुके हैं। आपको ये क्लैरिटी करना है कि व्हाट यू डिजायर, आप खुद क्या डिजर्व करते हो। आपको मूव फॉरवर्ड होना है, आपके पास टू मेनी ऑप्शंस है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, बहुत सुंदर ऑप्शंस है, ओके। तो आपको मैंने अभी बताया, आपकी चिंता आपको छोड़ देना है और एंजल्स परमात्मा मालिक आपके साथ है, डोंट वरी, ओके। डू व्हाट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडर्स बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट।
वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सेलेंट रिपुटेशन। देखिए आपको यही बताया जा रहा है, जो भी आप में है क्वालिटी है उसको आपको एक स्पेशल बनाना है, उसमें स्पेशल बनना है, एक बोलते हैं ना स्पेशलिटी। तो आपके पास में है ओपन, पहले तो बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर भी आपको चूज़ करना है कि आप किस में बेस्ट कर सकते हो, आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, आप बेटर हो, बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो। इसलिए ये सब सहने की भी ताकत आप में थी, जो भी आपके पास में हो चुका है, जो भी ईद की आपके जो भी पीपल थे उनको आप उसमें से निकाल के, भगवान ने आपको उसमें से निकाला, किसी को निकालते नहीं है ये भी सोच लो, आपको निकाला है। तो अभी आपको आपके करियर के, आपके भविष्य के ऊपर फोकस करना है। आप जिस पोस्ट पे आप अभी हो, जिस एज में हो, जो भी अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो आपको उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है, बेस्ट देखना है कि क्या है। ओके, नेक्स्ट, द नीड टू मूव ऑन सीकिंग मोर फ्रॉम द लाइफ दैन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, अ स्पिरिचुअल गेस्ट चूजिंग टू मेक बींग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इज प्रायोरिटीज। ओके, आपको देखो आपके ऐसा भी है लिविंग होम, उन्होंने बोला है एंजल्स आपको ये बता रहे कि ऐसे लोग जो भी आपके पास में है, जो भी बुरे लोग हैं या कुछ भी, आपको आपके खुद को ढूंढने के लिए या आपके खुद के, मैंने पहले बोला था आपको, आपका जो हुनर है, आपकी जो कला है या आप जिसमें बेस्ट हो, ठीक है, उसको आपको बनाना है, खुद को बनाने के लिए आपके जो भी पर्सन है, यानी आपके पास में इर्द गिर्द जो भी, क्या बोलते, बोलना नहीं चाहिए बुरे पर्सन, सॉरी, बुरे या बोलो जो आपको आपकी एनर्जी लो करते हैं, आपको अपोज करते हैं, आपको स्टक करना चाहते हैं, उनको आपको कट करना है, यानी वहाँ से निकल जाना है, उनसे बात नहीं करनी है, उनसे दूर जाना है आपको। अब घर में वैसे लोग होंगे तो आप उनसे बहुत कम बात कीजिए, जो आपको बहुत लो एनर्जी में लेके जाते हैं या फिर से आपको याद दिलाते हैं कि आपने पिछले टाइम क्या किया था, आपके पास्ट के बारे में रिपीट रिपीट आपको बार बार बताते हैं। तो एंजल्स आपको वही बता रहे हैं कि यही गाइडेंस दे रहे कि आपके पास तो पहले बहुत ऑप्शन है, आपके पास में क्वालिटी है, कुछ स्पेशल आपके इसमें हुनर है, उसको आपको ये करना है, और उससे इसलिए आपके करियर पे ध्यान देते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा, करते हैं डिस्टर्ब करने वाले करते हैं, तो उनके तरफ देखना नहीं है, उनको छोड़ देना है, ऐसे समझना है कि ये अपने पार्ट का मीन्स सॉरी अपने लाइफ का पार्ट नहीं है, लोग अप हम खुद कुछ अलग ही है, इसलिए गॉड सिलेक्टेड पर्सन है, इसलिए हमें एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें करनी है। तो इनर वॉइस को सुनिए, एंजल्स आपके साथ है, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके आँखों की पट्टी निकाल लो, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि अंदर से आवाज़ आ रही है तो सच है झूठ है, आप फेथ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको विश्वास रखना है, आपके जीवन में मिरेकल्स बहुत होंगे। ठीक,
और क्या चाहिए, एंजल्स ने आपका हाथ पकड़ चुके हैं, एंजल्स आपके आसपास है, ठीक है। ग्रेट सैडनेस, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, आपको एंजल्स हील कर रहे, हीलिंग टाइम चल रहा है आपका, आपको हील कर रहे हैं वो, आपको उसको लेट गो ऑफ द पास्ट, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीडिंग। देखिए आपको हील किया जा रहा है, आपको उसके ऊपर बिलीव रखना है, मैंने अभी कहा, और यही कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है आपके पास को, आपके पास को आपको आपको छोड़ देना है जो भी हुआ, ठीक है। हर एक के पास में स्ट्रगल होता ही है, कुछ ना कुछ, कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ बुरा हो जाता है, आप करना कुछ चाहते हैं होता कुछ है, ऐसा भी होता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो जस्टिस, आपको परमात्मा, आपका परमेश्वर, ईश्वर, इष्ट देवता, एंजल्स, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ द इंटीग्रिटी। देखिए आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सॉरी। और क्या चाहिए, इतने सुंदर कार्ड्स हैं, ग्रेट ग्रेट, आप ग्रेट हो, आपके पास में खुद एंजल्स आके आपको हील कर रहे हैं, आपके जीवन में मिरेकल लाया उन्होंने, आपको इस पूरे सिचुएशन में से, इस चक्रव्यूह से उन्होंने निकाला और आपको फिर गाइडेंस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत से हम ओरेकल डेक से लेंगे, मून एनर्जी हमें क्या बताना चाहते हैं, मैं क्या डा गाइडेंस देना चाहती हूँ एंजल्स नंबर 6 के लिए। जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो कौन सी भी चीज़ होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको पहले हीलिंग दी जा रही है, आपको धीरे धीरे इसमें से निकलना है, खुद को भी उसमें से निकालना है, थोड़ा मेडिटेशंस करना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना है, एकदम से तो कोई नहीं निकल सकता, पर आपको निकलना है और जस्टिस भी होगी, ज़रूर होगी। आप उसके लिए मत रोते बैठना कि जस्टिस नहीं हो रहा है, उनको जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी वो तो बहुत खुश है, वो तो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनके लाइफ में, और आप बैठे हो एक रूम में बंद होके, तो ये जो आपके दिमाग में सोच विचार जो भी आ रहा होगा उसे छोड़ दीजिए। देखो सही क्या आया, सरेंडर टू द डिवाइन, आप अपने आप को पूरा डिवाइन, अपने परमात्मा के लिए उनके पास में सरेंडर कर दो, आप खुश रहोगे, आपका पूरा जीवन उनके ऊपर सरेंडर कर दो, वो वही आपको, आपको यहाँ से पूरा यानी आपका फ्यूचर ब्राइट कर देंगे। जस्टिस तो करेंगे और ब्राइट भी कर देंगे। देखिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करना है आपको, जो रिलीज करना है उसको रिलीज करना ही है, तभी आपको आपका जो भी फुल मून है, आपका चांद, आपका सक्सेस आपको दिखाई देगा, और डेफिनेटली आप
बहुत बहुत सक्सेस हो गए, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे डिवाइन को। आप आपने नहीं किया ना तो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप वो परमात्मा के, आपके ईश्वर के प्रति, आप डिवाइन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आप सरेंडर हो जाओगे। होना ही है, होना ही है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से निकाला है उन्होंने, जहाँ पर आप ब्लॉक हो चुके थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या करना है, वहाँ से निकाला। तो फ्रेंड्स, ये थी एंजल्स नंबर 666, जो भी आपको रिपीटेड दिख रहे हैं उसकी रीडिंग। आपको जितनी रेजोनेट होती है वो रख लीजिए, जो नहीं होती है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, आपको ये नहीं भूलना है, पर आप इसके ऊपर मेडिटेशन करो, सरेंडर टू द डिवाइन, आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी और उसके लिए भी एंजल्स आपको मदद करेंगे, सो डोंट वरी। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। यानी जिनको भी हेल्प चाहिए होगी तो उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।